दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज है हमारे साथ में दी ऑल न्यू ड्यूक 250। और ये ड्यूक 250 की सेकंड जनरेशन है। क्या कुछ ऑफर होने वाला है इस गाड़ी में, KTM क्या कुछ ऑफर करेगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और क्या कुछ मिलने वाला है इस गाड़ी में, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। ये वीडियो एक प्रॉपर डिटेल वॉकराउंड रिव्यू होने वाला है, प्राइसिंग से लेकर सारी चीज़ें आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट ओवरव्यू से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसका फ्रंट ओवरव्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का बल्कि एंड हैवियर आपको लुक देखने को मिलता है। यहाँ आपको फ्रंट की लाइट जो है हाई बीम लो बीम सेटअप फुल LED के साथ देखने को मिलेगी। वहीं बात करूँ इसके इंडिकेटर्स की तो यहाँ आपको टर्न इंडिकेटर्स LED देखने के लिए मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर लुक आगे से निकल के आता है। वहीं अगर बात करूँ इसके सस्पेंशन की तो यहाँ पर आपको USD फोक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। अंदर ये जो WP एपेक्स के सस्पेंशन है ये आपको देखने में मिलते हैं और ये ऐसी ब्रांड है, एक ऐसी क्वालिटी के सस्पेंशन हैं जो आपको मोस्टली सुपर कार्स में ही देखने मिलेंगे या फिर आपको रेसिंग कार्स में देखने को मिलेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर फील आ जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके टायर की तो यहाँ आपको फ्रंट में 110/70 का एक 17 इंच के अलॉय व्हील के सेट टायर देखने को मिलता है और ये टायर आपको बिल्कुल ही न्यू मार्केट में देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर MRF का ये स्टील ब्रेस का टायर देखने के लिए मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया ग्रिप वगैरह प्रोवाइड करवाएगा। अगर मैं बात करूं इसके डिस्क की तो यहां आपको 320 mm का डिस्क साइज देखने के लिए मिल जाता है और फ्रंट में आपको ABS भी देखने के लिए मिलेगा। साइड में देखेंगे यहां आपको रिफ्लेक्टर देखने मिलेगा। बाकी इसका जो फ्रंट का लुक है वो बहुत ही ज़्यादा टायर्स को इन्हेंस करता है इसका ये डिस्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा साइज में है और देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील आता है। अभी मैं बात करूं इसके साइड ओवर व्यू की और साइड लुक की तो यहाँ आपको काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा। फ्यूल टैंक की अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो 15 लीटर आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा। और ये देखेंगे फ्यूल टैंक जो है वो आपको दो पार्ट में तो देखने को मिलेगा, बट यहाँ ये जो है पार्ट है ना ये पूरा मेटल देखने मिलता है और 15 लीटर। यहाँ देखेंगे KTM की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है और ये इंजन आपको E20 मतलब BS6 फेज 2 देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ देखोगे आपको ये जो काउल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी देखने मिलते हैं। इसकी जो फेयरिंग है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी निकल के आती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया निकलेगी। और यहाँ देखोगे आपको ड्यूक 250 की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। अभी बात करूँ थोड़ा सा नीचे इसके इंजन की तो इसके अंदर देखने के मिलता है आपको 249 cc का सिंगल सिलेंडर 4-valve BS6 लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है जो जनरेट करेगा 30.5 PS की पावर एंड 25 Nm का टॉर्क। लिक्विड कूल्ड का देखेंगे तो यहाँ आपको रेडिएटर देखने को मिलता है, कर्व रेडिएटर होगा इस टाइप से जो कि और ज़्यादा लुक इन्हेंस करता है इसके लुक को। पहला पार्ट इस जगह आ जाता है, यहाँ से आप इजीली रेडिएटर फिल कर सकते हो। आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट जो है वो अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने मिलेगा, जैसे ये एग्जॉस्ट पाइप जो है वो इस जगह से यहाँ से जाता हुआ आपको यहाँ दिखेगा। हालांकि जो अंडरबेली है वो देखने में और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि इसका ये वाला जो पार्ट है ये और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है इसके लुक को और फिट एंड फिनिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल के आ। अभी बात करूँ मैं रेयर के सस्पेंशन की तो यहाँ पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन साइड में देखने के लिए मिलता है जो कि अराउंड 10 स्टेप्स एडजस्टेबल होगा। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर एडजस्टमेंट निकल के आते हैं और लुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा निकल के आता है इसके साइड के सस्पेंशन का। वहीं मैं बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो इसके अंदर आपको 176 mm ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है नेकेड स्पोर्ट बाइक के सेगमेंट में। और बात करी जाए इसकी सीट हाइट की तो आपको सीट हाइट जो है वो 800 mm सीट हाइट देखने के लिए मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया है। अब शॉर्ट हाइट रेड इससे पहले जो ड्यूक सीरीज आपको देखने मिलती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा सीट हाइट हो जाती थी और सीट हाइट का इशू सबसे ज़्यादा ये आता था कि शॉर्ट हाइट राइडर के पैर नहीं आते थे, पर अब इसके अंदर आपको किसी तरीके की अनकम्फर्टेबलनेस फील नहीं होगी जो कि शॉर्ट हाइट राइडर के लिए काफ़ी बढ़िया हो जाती है। और इस बाइक के लिए स्पेशली हम शॉर्ट हाइट वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे, हाइट टेस्ट वीडियो जिसमें होगा, सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अभी चलते हैं थोड़ा सा रेयर की तरफ और रेयर में सबसे पहले मैं बात करूं इसके टायर की तो यहां आपको टायर साइज जो है वो बहुत ज्यादा हैवी देखने के लिए मिल जाता है। 150/60 का आपको 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ टायर देखने के लिए मिलेगा। वहीं मैं बात करूं इसके डिस्क की तो 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेगा विद ABS यहां पर आपको डिस्क देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलें तो यहां देखोगे फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। और दूसरी तरफ दिखा देते हैं, यहाँ आपको साड़ी गार्ड देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ देखोगे ना आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा जो कि है यहाँ पर आपको टायर अगर आप देखने के लिए नहीं मिलता है। कई बार क्या होता है जो ओनर्स होते हैं जो परचेज करते हैं इस गाड़ी को वो टायर अगर मोस्टली हटवा ही देते हैं क्योंकि इसकी जो विजिबलनेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया निकल के आती है। जब KTM ने अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए इसके अंदर सबसे खास चीज़ की है वो की है यहाँ टायर अगर रिमूव कर दिया गया जिससे कि इसका टायर और ज़्यादा लुक इन्हेंस करता है और ज़्यादा टायर को विजिबल बनाता है। और उसका ऑल्टरनेटिव यहाँ पर ये रख दिया गया है कि इसका जो पीछे का मडगार्ड है ना
अब आप इसको देख सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी कर दिया गया है, जिससे कि आप अगर नॉर्मली कीचड़ वगैरह में भी गाड़ी चलाते हैं तो आपको इस जगह से ऊपर नहीं आएगा। अब मैं बात करूँ इसकी टेल लाइट की, तो यहाँ आपको टेल लाइट जो है वो फुल एलईडी सेटअप के साथ टेल लाइट देखने मिलेगी और लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल के आता है। वहीं बात करी जाए इंडिकेटर्स की, तो यहाँ आपको टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो एलईडी देखने के लिए मिल जाते हैं। एक बार हम चला देते हैं, टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो एलईडी देखने को मिल जाते हैं। टेल लाइट की अगर देखें तो टेल लाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इनहेंस निकलती हुई आती है। अभी बात की जाए ग्रैब हैंडल की, तो ग्रैब हैंडल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे निकल के आते हैं। यहाँ आपको स्प्लिट ग्रैब हैंडल मिलेंगे, क्वालिटी वाइज काफ़ी बढ़िया निकल के आते हैं। और ये देखोगे इसका ग्रैब हैंडल, इसकी जो टेल लाइट है ना उसके ऊपर से भी आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा बना। अभी वही बात करी जाए ऊपर के व्यू की, तो ऊपर का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया निकल के आता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पीछे से यहाँ लुक निकल के आएगा, काफ़ी बल्की एंड हैवियर लुक फील दिलाता है। बात करिए हैंडल बार की, तो हैंडल बार पे आपको कुछ इस तरीके की डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हैंडल बार निकल के आता है। और यहाँ देखोगे आपको पार्किंग लाइट, हैजार्ड स्विच और ये कुछ बटन्स देखने को मिल जाएंगे जो इसकी डिजिटल डिस्प्ले को पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। ये सारे बटन यहीं से आप इसके सारे फीचर्स वाइज को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर देखोगे आपको हॉर्न क्वालिटी मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर्स देखने मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करूँ तो यहाँ आपको इंजन किल स्विच देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ आपको सेल्फ देखने के लिए मिल जाएगा। अभी बात करिए डिजिटल डिस्प्ले यूनिट की, तो यहाँ आपको एक फुल डिजिटल डिस्प्ले यूनिट देखने मिल जाएगी, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ देखोगे आपको फ्यूल और यहाँ पर फ्यूल ऑप्शन देखने मिलेगा, इंजन हीटिंग सेंसर देखने मिल जाएगा, एयर ABS वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा और गियर ऑप्शन वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं आपको तरह तरह के मोड्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, साइड स्टैंड वगैरह ये देखेंगे। फर्स्ट मोड में ये सारी डिटेल्स आएंगी, लाइक यहाँ पर देखोगे ट्रिप पे 1 में किलोमीटर्स वगैरह, यहाँ पर एवरेज स्पीड वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिलती है। और भी बहुत सारे आते हैं यहाँ, ABS इन्फो, सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिलती हैं, बहुत सारे फीचर आपको इस बाइक के अंदर देखने मिलेंगे, जिसमें से कुछ फीचर्स ये आ जाते हैं। हालांकि इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने के लिए मिल जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ आ जाती है। बाकी कॉल पिक एंड पिक कॉल ड्रॉप का भी ऑप्शन इसके अंदर देखने मिलेगा। ऊपर देखोगे आपको ABS का स्विच देखने के लिए, लाइट देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं बात करी जाए चार्जिंग की, तो यहाँ आपको टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप इजीली अपनी आईफोन की डाटा केबल लगा के इजीली फोन चार्ज कर सकते हो। टाइप सी पोर्ट देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एंड बेटर बाइक बना देती है इस सेगमेंट में आने वाली ड्यूक 250 को। बाकी का इसके अंदर आपको 390 ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। बाकी का अगर बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पर आपको 239,000 एक्स शोरूम देखने को मिलेगा, जो कि ऑन रोड आते आते ऑलमोस्ट 30,000 से 35,000 और ज़्यादा वेरी करेगा। बाकी का किसी भी और जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं गाज़ियाबाद मेरठ रोड न्यू आर्यनगर शिवा बजाज और KTM का शोरूम यहीं नियर बाय आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस बाइक से रिलेटेड कैसी लगी ये जानकारी, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, देन वीडियो को लाइक करना ना भूलें।